हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सुमो हरियाणा। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक ये ओरिएंट की इलेक्ट्रिक आयरन रिपेयरिंग के लिए आई है। तो दोस्तों, ये पहले से ही कस्टमर ने ही खोल के रखा था इसको। तो दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है अभी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो एलिमेंट था वो पूरा मान लो जल के ख़राब हो गया। ये देखिए, इसका जो स्प्रिंग यानी निकोन वायर होती है वो बाहर आ गई है, तो ये पूरा ख़राब हो गया। तो उन्होंने दोस्तों इसको नया लगाया। नया लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ 10 मिनट चली होगी और फिर ये फिर से जल गया। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा आयरन के साथ होता है तो क्यों होता है, तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो पूरी देखना दोस्तों, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि मान लो कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने नया एलिमेंट इसमें ले लिया है, तो मैं अभी लगाऊंगा नहीं, इसको पूरा वेरीफाई करूंगा कि आखिर क्यों चल रहा है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एलिमेंट का कारण ये होता है कि जो एलिमेंट हम इसके अंदर फिट करते हैं, जैसे उन्होंने प्रोफेशनल नहीं है वो, घर पे ही उन्होंने किया। तो दोस्तों, एक तो इसको ऊपर से ऐसे लगा के हल्का हल्का छोड़ दिया। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा कि इसको जो आवर हीट होता है ये, तो ये इसके साथ में पूरा अगर चिपकेगा नहीं तो ये हीट सिंक का भी काम करता है, तो ये प्लेट पूरा है ना गर्म नहीं होगा, तो जिसके कारण ये क्या होगा, आवर हीट होके यहाँ से मेल्ट होके जल जाएगा। ये देखिए कितना सारा यहाँ से मेल्ट हो चुका है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा बहुत झड़का ऊपर नीचे करोगे तो हो सकता है ये पूरा निकल के और आपका जो ये बेस होता है बॉडी का, जैसे ये वाला, तो इसके ऊपर ऐसे गिर जाएगा, तो इसको भी जला देगा, तो पूरा ये डैमेज हो जाएगा, फिर आपके किसी भी काम का नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात दोस्तों, अभी आपके सामने हम नया एलिमेंट लगाएंगे और फिर इसके आपके सामने ही मान लो इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, आपको मार्केट में ऑफ मिल जाएगा, ये ऑनलाइन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप जो पुराना कोई भी प्रेस हो दोस्तों, जब भी रिपेयर करते हो, चाहे वो एलिमेंट ये एल्युमिनियम वाला हो चाहे वो पत्ते वाला हो, तो आपको करना है क्या कि उसको एक बार रख लेना है। ठीक है, उसको निकाल के रख लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा है इसका, तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर थोड़ा छोटा साइज हो तो एडजस्ट हो जाता है दोस्तों, जैसे इसको यहाँ पे ऐसे रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर घुमा देंगे तो ये पूरा आ जाएगा इसके अंदर ही। ये देखिए ऐसे। और इसको करने से दोस्तों, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, किसी लकड़ी के गुटके से या जो फाइबर की हथौड़ी आती है उससे आपको ठोकना है, प्लास वगैरह से बिल्कुल नहीं ठोकना है, क्योंकि एल्युमिनियम होता है। ठीक है, और बहुत ही लाइट इसका वो होता है, जो इसका थिकनेस होता है, तो ये टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसको सेट करने का बस यही तरीका है कि इसको आप हैमर से हल्का हल्का या लकड़ी का कोई टुकड़ा लेके दोस्तों उससे इसको कर दो। तो अभी इस टाइप की जो हथौड़ी होती है उससे आपको इस टाइप से हल्के हल्का ठोक लेना है इसको। ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए यहाँ पर पूरा चला गया है। तो मैं एक बार पूरा को सेट करके ठोक के फिर आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरह के यहाँ से बिठा लिया है। ये देखिए पूरा दोस्तों इसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस साइड से भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पूरा अंदर की तरफ चला गया है, तो इस टाइप से आपको लगा लेना है। अभी दोस्तों वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो इसका जो समझने वाली बात है वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा जो ये एलिमेंट है उसको इसका एक जो है यहाँ पे कनेक्शन करना होगा हमें। तो देख सकते हो इसका कनेक्शन यहाँ पे हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक वायर जो होगा लाइट का वो इसके अंदर लगेगा और एक डायरेक्ट इसके अंदर लगेगा। और जो दोस्तों हमारा LED बल्ब होता है उसका एक यहाँ पे लग जाएगा कनेक्शन, और एक कनेक्शन उसका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ लगने के लिए।
तो अभी दोस्तों हमें इसको चेक करना है, तो हम चेक करेंगे जैसे यहाँ पर एक वायर लगा के और एक यहाँ पे लगा के। और उससे भी पहले दोस्तों इस एलिमेंट को चेक करना है, कहीं ठोकते वक्त हमारा ये ग्राउंड यानी अर्थिंग ना हो गया हो। तो अभी इसको हम चेक करेंगे कैसे, सीरीज बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पे मैंने सीरीज बोर्ड में कनेक्शन कर दिया है, तो रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हो कि अब बल्ब जल रहा है। तो अभी इसका एलिमेंट को हम चेक करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। और अभी अर्थिंग चेक करने के लिए दोस्तों, ये जो इसका बॉडी है, इस पर कहीं भी एक जगह अपना एक तार फिक्स कर लो और दूसरे से एक बार लगा के देखो बॉडी पे कि हाँ ये फिक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको दोनों जगह पे आपको ये लगा के देखना है। तो अभी इसमें कोई अर्थिंग नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है कि एक वायर जैसे हमारा यहाँ लगना है, ठीक है, तो इसके अंदर हम वायर लगा देंगे, और दूसरा जो वायर है दोस्तों हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे देखिए ऑन हो रहा है, तो अभी इसको ऑफ भी करना है यहाँ पे लाके। तो देखिए आप देख रहे हो कि ऑफ नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में ये जो हमारी प्रेस है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अगर हम पूरा नीचे कर रहे हैं तो ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही एक कारण है जिसके कारण हमारा जो प्रेस है ओवर हीट हो जाता है और एलिमेंट जल जाता है, क्योंकि इसका जो थर्मोस्टेट है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अच्छे से कि ये पूरा वर्क नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको एक फ्री की ट्रिक बताते हैं जो आपके यूज में आ जाएगी और आपका जो ये प्रेस है अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो अभी गौर से देखना दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे इस टाइप से उठा लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है होता है दोस्तों, ये आपस में जब हम इसको रोटेट करते हैं यानी बंद करते हैं, तो ये पार्ट आपस में कुंजी होता है जो स्विच का काम करता है ऊपर नीचे का, तो ये चिपका हुआ है यहाँ पे। तो अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसको हमको यहाँ से इसको थोड़ा सा उठा लेना है, बीच वाले हिस्से को, ये जो बीच का हिस्सा है इसको उठा के थोड़ा हमको साइड में कर लेना है। तो किसी कारण से दोस्तों ये ज़्यादा मान लो यूज़ करते हो योर करते हो तो ये चिपक जाता है, ये पार्ट बिल्कुल इससे चिपक जाता है, तो आपको इसको हटा लेना है बिल्कुल। ये देखिए अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है ये। हालांकि इसको काम करना चाहिए लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना है, जो ये वाली पत्ती दी हुई है दोस्तों, ये वाली पत्ती, इसके नीचे हमको ये स्क्रू ड्राइवर थोड़ा डालना है और इसको हल्का सा यूं ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है, तो आप देखोगे कि ये हट गया है। अभी अभी आप अगर माइक की आवाज़ में सुनोगे तो कट की आवाज़ आएगी, आपको गौर से सुनना है। ये देखिए, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा काम कर रहा है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एलईडी के लिए जो इंडिकेट करता है उसके लिए हमने एक यहाँ पे वायर लगा दिया है और एक हमारा रेड के साथ में जुड़ जाएगा। तो इसके साथ में जो और वायर है दोस्तों, जो इसको थोड़ा बाहर निकाल देगी, उसको यहाँ पे हम निकाल देंगे यहाँ पे लगा के, जो ये है। तो यहाँ पे भी हम एक वायर का टुकड़ा जो साथ में है इसके, तो ये मैंने ले लिया है, और यहाँ से इसको लगा के थोड़ा एक्सटेंशन कर लेना है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया है, अभी हमको इनको बाहर निकाल लेना है।
उसके बाद दोस्तों ये तीन स्क्रू है यहाँ पर, इनको टाइट कर लेना है। और एक स्क्रू में आपको ये ग्रीन वायर मिलेगा जो नीचे वाली बॉडी से टच हो जाएगा, ये हमारा अर्थिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको टाइट कर लेते हैं एक बार। उसके बाद दोस्तों ये वाला पार्ट लगाना है, और इससे पहले आपको ये जो चीज़ होता है, ये कट होता है इसके अंदर, ये इस कट के अंदर जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्रीन के साथ ग्रीन लगा दिया है, रेड के साथ में रेड वाला, और ब्लैक जो हमारा इंडिकेटर का था और एक इसके अंदर का जो न्यूट्रल था उसको एक साथ कनेक्शन कर दिया है। अब इसको कर लेते हैं पूरे को पैक, फिर आपको चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो गई है, तो अभी इसको एक बार हम सीरीज में चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखना कि जब हम ऑन ऑफ करेंगे इसको तो इंडिकेटर फ्लेक्स करेगा हमारा, ये देखिए। और अभी इसको मैन में लगाएंगे तो ये चल जाएगा, ये हमने मैन में लगा दिया है। अब इसको यहाँ से रोटेट करेंगे, ये देखिए लाइट आ गई है। और दोस्तों अगर ये लगाने के बाद में आपकी प्रेस में हल्का हल्का धुआं आता है तकरीबन एक मिनट तक, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट डालते हैं वो हीट होता है। तो यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गई है, तो इस टाइप से आप इसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।